लेकिन रात्रि में सब सो रहे थे और युधिष्ठिर जी सिर पकड़ के रो रहे थे। भगवान ने आके पूछा, दादा आप बड़े भाई हो, सब प्रकार से युद्ध को जीत करके चक्रवर्ती सम्राट अखंड भूमंडल के बन चुके हो, अब किस बात का शोक? युधिष्ठिर जी को वही स्थिति हो गई जो अर्जुन को प्रारंभ में हुई थी। गोविंद अपने ही भाई बंधुओं का वध करके इस गद्दी पर बैठ गए। उपलब्धि जब जीवन में मिलती है तो बंधु बांधवों के बीच में हम लोग उत्सव मनाते हैं, खुशी खुशी मनाते हैं। अब मैं किसके साथ प्रसन्नता बांटूं? जिनसे खुशी मनानी चाहिए, जिनके बीच में हम लोग उत्सव मनाते हैं, उन सबको खो दिया मैंने। आज राज्य में चारों तरफ केवल विधवा स्त्रियां और अबोध बालक दिखाई पड़ते हैं। बहुत शोक मग्न देखकर भगवान ने समझाया, कुछ समझ में नहीं आया। प्रातः होने पर पितामह भीष्म के पास प्रभु लेके पहुंचे पांडवों को। जैसी प्रभु पर दृष्टि पड़ी, पितामह भीष्म ने सरसैया पर जो लेटे हुए थे प्रभु को नमन किया और कहा, प्रभु आप पधारे हो, आपकी प्रतीक्षा में ही पड़ा था, अब एक निवेदन मेरा सुन लीजिए। कहिए दादाजी। बोले, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता, कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम्। प्रसन्न मुखांगुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। अद्भुत प्रार्थना है पितामह भीष्म की, अहम यावत इदम कलेवरम न हिनोमि तावत भवान प्रतीक्षता। अब जब तक इस संसार से मैं पूरी तरह विदा ना हो जाऊं सरकार, तब तक आप मुझसे विदा लेके मत चले जाना, बस ऐसे ही खड़े रहना, आपसे विदा लेके ही जाऊंगा। प्रतीक्षता, अभी तक मैं प्रतीक्षा में खड़ा था, अब थोड़ी देर आप भी प्रतीक्षा कर लो मेरे जाने की। भगवान बोले, अच्छा। पितामह भीष्म बोले, ये मुंह क्यों लटका लिया, ऐसे क्यों बोल रहे हो? मन में प्रभु ने सोचा, ये तो इच्छा मृत्यु का वरदान लिए बैठे हैं, दो चार महीने के लिए कार्यक्रम स्थगित कर दिया तो हमारी तो लग गई लंबी ड्यूटी, कब तक खड़े रहेंगे? पितामह भीष्म समझ गए, सुनो सुनो सरकार, परेशान मत होना, ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कराऊंगा, पर ये लटका हुआ मुंह देखना पसंद नहीं, खड़े हो तो प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन। जब तक खड़े हो प्रसन्न मुद्रा में, माधव भाव की मुस्कान में ही तो सारा चमत्कार है। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, तीन ही बिसरी वेद विधि सब योग संयम ज्ञान, लखी जिन लाल की मुस्कान। माधव की मधुर मुस्कान जो एक बार निहार ले वो सब भूल जाता है, न देह का भान, न गेह का ज्ञान, न वेद का मार्ग, सब भूल जाता है, कुछ भी अपने आप में नहीं रह जाता। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, लखी जिन लाल की। माधव की मधुर मुस्कान जो एक बार निहार ले, देह गेह कुछ भी उसे स्मरण में नहीं रहता। पितामह भीष्म माधव की मुस्कान से मुक्त हो गए, सारी देह पीड़ा जाती रही,
धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न करते गए, बाप पितामह भीष्म उत्तर देते गए। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, सनातन धर्म के समस्त मर्म समझा दिए। इसको कहते हैं महाभारत में भीष्म गीता। हमारे यहां विषाद भी योग बन जाता है। अर्जुन को पहले अध्याय में विषाद योग हुआ, गोविंद का उपदेश भगवत गीता के रूप में प्रकट हुआ। धर्मराज को विषाद हुआ तो भीष्म गीता प्रकट हो गई। पितामह भीष्म ने समस्त शोक का निवारण कर दिया अपने दिव्य उपदेश से। अब सोचा कि यह प्रभु से ज्यादा प्रतीक्षा कराना ठीक नहीं, चलना चाहिए, पर चलने से पहले प्रणाम तो कर लें, कुछ पुष्पांजलि तो चढ़ा दें। अब पुष्प तोड़ने महात्मा कहां से जाते, वो तो बाणों की सैया पर लेटे थे, इसलिए पुष्प ताग्रा छंद में निबद्ध करके शब्द सुमन प्रभु को समर्पित करने लगे। ये जो छंद है, इस छंद को पुष्प ताग्रा छंद कहते हैं। बहुत प्यारी स्तुति पितामह भीष्म ने गाई है, उसी स्तुति के साथ वाणी को विराम देंगे। भगवती सात्वत पुंग विभूति स्वसुख मुपगते वचित हरतु प्रकृति मुपेयुष्यद भव प्रभाव त्रिभुवन कमलं कमाल वर्णं रविकर गौर वरां भक्तवत्सल भगवान की जय। इति शब्द का अंत में प्रयोग होता है, पर भीष्म पितामह की स्तुति का श्री गणेश इति से हुआ है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, इति से क्यों? बोले सरकार अब शब्दों की इति, अब इसके बाद कुछ नहीं बोलना, इन श्वासों की भी इति अंतिम समय है। और आपके मुखाम्भोज का दर्शन करके जब देह त्याग करके जाऊंगा तो हमेशा के लिए आने जाने की भी इति, लौट के आना ही नहीं। पर इन सब की इति करने से पहले बस एक निवेदन है, क्या? कि बेटी को कुंवारी छोड़ के जाने में पिता को चिंता रहती है, पुत्री कुंवारी ना रह जाए, बस इसके हाथ पीले करके जाना चाहता हूं। अरे बाबा, हाथ तो तुम्हारे पीले नहीं हो पाए, तुम्हारी बिटिया कहां से आ गया? बोले महाराज, जिनके बच्चे नहीं होते गोद ले लेते, मैंने भी एक धर्म की पुत्री मान ली, परंतु मुझे मेरी बेटी का आज तक कोई ढंग का वर नहीं मिला जिससे मैं अपनी गुणवती पुत्री का विवाह कर सकूं। हर पिता अच्छा वर ढूंढता है, मुझे मेरी बेटी का वर नहीं मिल रहा। क्यों, ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या? बोले यही तो समस्या है। क्या नाम है, क्या योग्यता है? बोले इति मति, ये जो मेरी मति है बुद्धि, इसी को मैं अपनी पुत्री मानता हूं, पर मुझे इस मति का कोई पति समझ में नहीं आता। योग्यता क्या है? बोले वितृष्णा, कोई तृष्णा इसमें नहीं, न वित्तेष्णा, न पुत्रेष्णा, न लोकेष्णा, समस्त तृष्णाओं से विनिर्मुक्त शुद्ध मति है मेरी। तो अब बताओ, कोई संसार में सूझता नहीं जिसको समर्पित कर सको, तो अब क्या विचार है?
बोले बस यही विचार है कि मेरी मति को आप अपनी श्रीमती बना लीजिए, हमारे पहले इतने विवाह हुए हैं। बोले महाराज एक और सही, क्योंकि मेरी मति आपकी बनेगी श्रीमती, आप बनेंगे इसके पति, तो आपके चरणों में करेगी ये रति, मुझे भी मिल जाएगी फिर सदगति, मैं भी निश्चिंत होकर के इस संसार से अपनी पुत्री का आपसे पाणिग्रहण ग्रहण करके विदा हो सकूंगा, जा सकूंगा। इसलिए इतिमति रूप कल्पिता वित्रेष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। हे सात्वत पुंगव, आपसे सुंदर वर कौन होगा? सज समर के तो सभी सुंदर लगने लगते हैं, आजकल तो काला गोरा हो जाए ऐसा बढ़िया मेकअप चला है। परंतु पितामह भीष्म कहते हैं हमने तो युद्ध में आपका रूप सौंदर्य देखा था। युद्ध तुरंग रज है, युद्ध में तुरंगों की रज, घोड़े दौड़ते थे, धूल उड़ती थी, सारी धूल आपके ऊपर पड़ती थी, क्योंकि पार्थ के सारथी बन के आप ही घोड़ा हांक रहे थे, पहली धूल आपके ऊपर पड़ती थी। सुबह से शाम तक युद्ध में नीचे से ऊपर तक पूरी तरह धूल दूषित हो जाते थे। पर युद्ध तुरग रज विधूम्र विश्व कचलित श्रमवारी अलंकृता से, श्रमवारी पसीना की बूंदें छलक आती थी आपके ललाट पर, तो वो स्वेद बिंदु वह पसीना की बूंदें मोतियों की तरह आपके ललाट की दिव्य शोभा बढ़ाती थी, और जो धूल सारी शरीर में लग जाती थी बिल्कुल जैसे कोई पाउडर लगा करके सज समर करके निकलते हैं, तो धूल भी आपके सौंदर्य की अद्भुत शोभा बढ़ा देती थी। धूल भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर जो। धूल पसीना में कोई सुंदर लगता है भला? पर सुंदरे किम न सुंदर, हमारे प्रभु को जो लग जाए वही सुंदर। पंकांग राग रुचिरव, भागवत में तो सुखदेव जी कह रहे हैं पंक भी अंग राग की तरह उनकी शोभा की शोभा की वृद्धि करने लगता है, कीचड़ में भी सन के सुंदर लगते हैं। ये भगवान के सौंदर्य की अपूर्व विशेषता है, अद्भुत विशेषता है। इस प्रकार से पितामह भीष्म गोविंद की उस दिव्य झांकी का चिंतन मंथन और हृदयंगम करके देहत्याग करके भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त हो गए। पितामह भीष्म अपने धाम को गए, गोविंद अपनी दिव्य द्वारका धाम को गए।